नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो MS Word से देखिए जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज के वीडियो में वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस सारे किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आगे भी देखिए एक ही वीडियो में इस टॉपिक से MS Word से सारे प्रश्न डिस्कस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक या दो और वीडियोस में हम पूरा MS Word कवर कर लेंगे सीधे MCQs के रूप में, क्योंकि देखिए इसमें सीधे प्रश्न बनते हैं इसके, आपको पता है कि इसकी वर्किंग से, तो उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। जितना समझने की जरूरत थी वो मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ, और कुछ होगा तो आज मैं आपको बता दूंगा साथ साथ में। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा MS Office का सही वर्जन नहीं है? तो ऑप्शन है इसका ऑफिस बिस्टा। देखिए जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ। एंड की का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो आपको पता है जब कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना हो तब हम यूज़ करते हैं एंड की का, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। अगर हम कंट्रोल भी साथ में प्रेस करें एंड की के, तब डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर चला जाता है। नेक्स्ट है कि MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब मैंने सॉफ्टवेयर करवाया था तब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, MS वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई देता है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन डी, प्रिंट लेआउट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा ऑफिस सूट नहीं है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो दे रखा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर है क्लोज ऑफिस। नेक्स्ट है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की मिनिमम व मैक्सिमम साइज होती है? तो जो आपको करवाया हुआ है 8 मिनिमम और 72 मैक्सिमम, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किसी पैराग्राफ में दो पंक्तियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो देखिए पंक्तियों के बीच, यानी कि दो लाइनों के बीच की दूरी, तो उसे हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि पंक्तियों में लाइन स्पेसिंग सामान्यतः होती है, सामान्यतः मीन्स बाय डिफॉल्ट, यानी कि जब आप खुद से सेट नहीं करते, जब कंप्यूटर के द्वारा ही जब आप लिखना शुरू करते हैं, जो आपको कंप्यूटर के द्वारा जो स्पेसिंग दी जाती है, तो वो मिनिमम कितनी रहती है सामान्यतः? तो 1.0, कितनी? 1.0। नेक्स्ट है कि MS Word 2003 में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है? तो .doc, मैंने आपको बताया 2007 से पहले का .doc और उसके बाद का .docx। नेक्स्ट है कि MS Word में निम्न में से कौन सा मेन्यू कैरेक्टर साइज तथा टाइप स्पेस टाइप फेस बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा फॉर्मेट। देखिए प्रश्न को समझिए, मेन्यू कैरेक्टर साइज, कैरेक्टर का साइज या टाइप फेस की किस आप उसे किस भाषा में उसे लिखना चाहते हैं, किस तरीके का आप उसे, यानी देखिए मैंने कहा था कि फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग करते हैं जब आप डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो इसे क्या है, ये अट्रैक्टिव ही बनाया जा रहा है कि आप करेक्टर के साइज को छोटा बड़ा कर रहे हो, उसके टाइपिंग फेस बदल रहे हो, तो उसके लिए आपको पता है फॉर्मेटिंग उसकी कर रहे हैं, तो फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट है कि डैश में प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर स्मॉल केस में आता है और बाकी सब अक्षर बड़े केस में, तो किस केस में? तो किस केस में? टॉगल केस में, टॉगल केस में, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, डिफॉल्ट रूप से इस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है, तो किस पेज पर हेडर या फुटर छपा होता है? तो इसका होगा सभी पेजों पर। हेडर और फुटर का काम क्या रहता है? मान लीजिए आपने कोई 100 पेजों का आपने कोई फाइल डॉक्यूमेंट बनाई है, आप कोई हेडिंग देना चाहते हैं हर पेज पर, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि हर पेज पर लिखेंगे हर पेज, तो 100 बार आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हेडर। हेडर देखिए नाम से पर हेडर ऊपर होगा, यानी सिर, हेडर हेड सिर, तो ऊपर रहता है, यानी कि हेडर का काम ऊपर और फुटर का काम नीचे लिखना। तो हेडर क्या करेगा फिर, जब आप कोई टाइटल एक बार दे देंगे तो हेडर का आप यूज़ करेंगे तो वो हर पेज पर टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। फुटर जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर लिखना चाहते हैं नीचे, तो फुटर का यूज़ करेंगे, यानी फुटर का यूज़ कहाँ पर करेंगे? फुट जाने की पैरों पर, तो इसका क्या होगा? सभी पेजों पर। नेक्स्ट है, आप ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी लाइनें सेट कर सकते हैं? तो इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा 10। कितना होगा? 10 ड्रॉप के लिए, ड्रॉप कैप के लिए आप कितनी? 10। नेक्स्ट है कि स्लाइड टेम्पलेट्स में निम्न में से क्या होता है? तो क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव, ग्राफिक्स, टेक्स्ट स्टाइल्स, मैक्रो कस्टमाइज, वर्ड कमांड, सेटिंग, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्लाइड टेम्पलेट्स में क्या क्या रहता है। तो ये अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए पहले मैंने पूछा कि ड्रॉप कैप में कितने आप मैक्सिमम लाइंस छोड़ सकते हैं, तो देखिए मैंने कहा 10। तो देखिए मैंने आपको कहा कि पूरी जानकारी दी जाएगी, अब आपको ड्रॉप कैप क्या होता है जो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर, कि पैराग्राफ की शुरुआत एक बड़े कैपिटल लेटर के साथ करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ड्रॉप कैप का।
नेक्स्ट है कि निम्न में से फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे क्योंकि आपको मैंने ये बताया हुआ है, बोल्ड, इटालिक, रेगुलर। देखिए मैंने जब क्लास खत्म की थी तब मैं आपको क्या बताने वाला था, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या रहता है? सबस्क्रिप्ट का मतलब रहता है जब आप मान लीजिए वाटर का केमिकल नेम लिखना चाहते हैं, H2O। क्या लिखना चाहते हैं आप? H2O, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में किस तरीके से लिखा आएगा? H2O। तो आपने लिखना ऐसा है, तो ऐसा लिखने के लिए आप यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट का। किसका यूज़ करेंगे? सबस्क्रिप्ट का, सबस्क्रिप्ट का। किसका यूज़ करेंगे? सबस्क्रिप्ट का। यानी कि सबस्क्रिप्ट का यूज़ किस लिए करते हैं? जब आपने इस तरीके से कोई भी ऐसे पैरों पर लिखना हो, अगर आपने मान लीजिए आपने घात देनी हो, एक्स स्क्वायर लिखना है या प्लस वाई स्क्वायर, कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तब आप यूज़ करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का। किसका करेंगे? जब घात देनी हो तो सुपर स्क्रिप्ट, जब ऐसे पैरों पर लिखना तो सबस्क्रिप्ट का। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सब नीचे हैं, सब नीचे है, मैं ऊपर हूँ इसलिए सुपर हूँ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सब कहाँ है? नीचे, यानी कि सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा जाता है, मैं सुपर हूँ, सॉरी मैं ऊपर हूँ इसलिए सुपर हूँ, ऊपर है तो सुपर है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में नहीं होता? कौन सा ऑप्शन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू में नहीं होता? तो चार्ट, ग्राफ, क्लिप आर्ट। मैंने तभी कहा कि एक बार आप इसकी विंडो को ओपन करके जरूर देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ से पता चलेंगे। तो ग्राफ क्या नहीं रहता? ग्राफ पिक्चर मेन्यू में नहीं होता, तो क्या ग्राफ, उसके अलावा चार्ट, क्लिप आर्ट और वर्ड आर्ट रहता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कमांड टूल्स मेन्यू में उपलब्ध नहीं होती? तो कौन सी कमांड नहीं होती उपलब्ध? ऑटो समराइज, ऑटो टेक्स्ट, मैक्रो, ऑटो करेक्ट। तो क्या नहीं होती टूल्स मेन्यू में? ऑटो टेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव को जाना जाता है तो फॉन्ट इफेक्ट। ये क्या है? फॉन्ट इफेक्ट। जब मैंने आपको लास्ट में जो करवाने वाला था वो फॉन्ट इफेक्ट ही मैंने शुरू किए थे, तो मैंने सोचा कि प्रश्नों के रूप में इसे मैं ऐड कर लूँगा। तो इनका आपको नाम पता होगा, प्रश्न ऐसे बनता है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट का प्रकार है, जो इनमें से कौन फॉन्ट इफेक्ट है, जब फॉन्ट स्टाइल, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जैसे पीछे प्रश्न बना था कौन फॉन्ट का नेम है, जैसे बोल्ड, इटालिक्स, तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट दे रखा था, तो सुपर स्क्रिप्ट आपका आंसर था, वो प्रकार नहीं था। तो पता होना चाहिए क्या फॉन्ट का नाम है, कौन फॉन्ट का इफेक्ट है। तो सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एंग्रेव, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कि एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप में यूज होने वाले फॉन्ट का नाम है? एमएस वर्ड में, अब देखिए एमएस वर्ड मैंने आपको बताया कि 2003 में क्या यूज होता था, टाइम्स न्यू रोमन, और 2007 में कैलिबरी। अब इन्होंने, मैंने कहा कोई भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि कौन सा वर्जन है, तो अब आपने ऑप्शन के हिसाब से देना, इसमें कैलिबरी तो नहीं दे रखा, तो आंसर क्या होगा आपका? टाइम्स न्यू रोमन। क्या होगा? टाइम्स न्यू रोमन। अब देखिए कुछ और प्रश्न करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए हैं। द अबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विद द स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा मेल मर्ज। क्या रहेगा? मेल मर्ज। और देखिए मेल मर्ज क्या रहता है, अगर आपको मैं डिटेल में बताऊँ, मान लीजिए आप कोई निमंत्रण, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो कि एक निमंत्रण पत्र है, उस निमंत्रण पत्र को आप 100 लोगों को भेजना चाहते हैं, तो उस पर आपको 100 लोगों का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, क्या हर पेज पर आप अगर एड्रेस लिखना चाहेंगे तो आपको 100 बार लिखना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा आपको। तो आप क्या करेंगे, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। यानी कि देखिए, एक तो आपने मेन फाइल जो बना रखी है जो कि एक निमंत्रण पत्र है, उसे हम कहेंगे मेन फाइल। एक और आप फाइल बनाएंगे जिसे हम कहेंगे डाटा फाइल। डाटा फाइल में क्या होगा, जिन लोगों को भी, जिन 100 लोगों को आपने भेजना, उनके एड्रेसेस होंगे। तो जब मेल मर्ज करेंगे तो हर निमंत्रण पर एक एड्रेस ऐसे अपने आप ही एड्रेस आते रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं मेल मर्ज। यानी कि जब आपने एक ही निमंत्रण पत्र को ज़्यादा लोगों को पास भेजना हो, तब हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट है कि विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, अभी मैंने बताया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? मेल मर्ज। नेक्स्ट है कि वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डू, मैंने आपको कहा कि वर्ड प्रोसेसर का यूज़ क्या रहता है, कि कोई लेटर लिखना, यानी कि मैनिपुलेटेड टेक्स्ट, एप्लीकेशन, रिज्यूम, कुछ भी, रिपोर्ट, तो टाइप ए बायोग्राफी। इन ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो टाइप ए बायोग्राफी, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या रहेगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, व्हाट इज गटर मार्जिन? देखिए मार्जिन के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा डिटेल में, तो देखिए मार्जिन कितने प्रकार के हम, देखिए मार्जिन क्या होता है, स्पेस छोड़ना, तो स्पेस ऊपर से भी छोड़ा जा सकता है, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी, राइट से भी, चार प्रकार का मार्जिन तो जे हो गया।
एक विशेष प्रकार का मार्जिन रहता है जिसे हम कहते हैं गटर मार्जिन। देखिए गटर मार्जिन या तो लेफ्ट साइड से छोटा दिया जाता है या टॉप से। देखिए क्यों दिया जाता है, इसका आंसर है कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। आपने कोई 100 पेजों की फाइल बनाई, उसे आप बाइंड करवाना चाहते हैं, यानी कि आप उसे क्या कवर लगवाना चाहते हैं, तो आप किसके पास जाएंगे, जिल्द साज, जो जिल्द साज रहते हैं, बाइंडर रहते हैं, उसके पास जाएंगे। वो 100 पेजों को एक के ऊपर एक रखेगा, फिर उस पर कवर लगाएगा। तो सिलाई किस तरफ से करता है, वो लेफ्ट साइड से। अगर बुक किस तरफ से खुलने वाली हो, जो जनरली बुक्स आप देखते हैं, अगर मान ली कोई बुक ऐसी भी होती है जो ऊपर की तरफ खुलती है, तो उसके लिए फिर ऊपर सिलाई करेगा, यानी कि गटर मार्जिन जहाँ तो लेफ्ट साइड दिया जाएगा, जहाँ तो टॉप पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि जब वो सिलाई करे तो आपके अक्षर सिलाई में ना आ जाए, तो इसके लिए स्पेस छोड़ा जाता है। तो अब आपको पता चल गया गटर मार्जिन, मार्जिन कितने प्रकार का हो गया, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, और एक विशेष प्रकार का गटर मार्जिन। नेक्स्ट है कि विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। तो टूल्स तो इसका आंसर क्या रहेगा, टूल बार, क्या रहेगा, टूल बार। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑप्शन। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट